व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू ओशो। ये मैं एक नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, DSL जो कनेक्शन मुझे मिला है उसके साथ। ये fundady.com जो है, ये एक एंटरटेनमेंट पेज हमें मिला है। इसकी खसूसियत ये है कि जो सा भी TV शो या मूवीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो यानी देखना चाहते हो ऑफलाइन, तो आप इजी तरीके से कुछ मिनटों में आप इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन आप देख सकते हो। इसमें इतना टाइम लगता नहीं है, काफ़ी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अगर 1 MB, 2 MB या 5 MB स्पीड इस्तेमाल करो तो इसका ताल्लुक उस स्पीड से नहीं होगा। अभी ये जो 13 रीज़न वाला ये season 2 इसका आया हुआ है, और season 1 भी मैं बैकवर्ड देख रहा था। मैं लास्ट एपिसोड पहले देख रहा था, फिर उसके बाद मैं इस तरह मैं इसको देख रहा था। शायद आपको अजीब जैसा लगे, तो खैर मैं इसको भी इस तरह देखूंगा। अगर मैं 10 से शुरू कर लेता हूँ, आप स्पीड देखें। ये मुझे बता रहा है कि ये 347 MB है, ये 5 मिनट में डाउनलोड कर लेगा, और स्पीड इसका चल रहा है 1 MB, और ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब 1 MB ही इसका स्पीड है जो नीचे जा रहा है। एनीवे, तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कभी कभी जो है मुसीबत आ जाता है, इसमें कुछ टेक्निकल मसले होते हैं। तो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा था कि दरहकीकत आप उसको कैसे बाईपास करोगे। शायद आप भी कोई टॉरेंट यूज़ कर रहे हो और आपके साथ इस तरह मसला आ जाए। सपोज़ ये देखो, ये टूम रेडर आया है। खैर मैं तो घुसूँ, अगर मैं कोई पुराना मूवी डाउनलोड करूँ, सपोज़ ये स्पीशीज़ का है, स्पीशीज यस, अगर मैं इसे डाउनलोड करूं तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया। ओपन कर दूं मैं, यकीनी बात है टोरेंट के ज़रिए ओपन होगा, टोरेंट ऑलरेडी ओपन है। ये स्पीशीज है चल रहा है, लेकिन मुसीबत क्या है, अगर आप नई मूवी डाउनलोड करोगे, सपोज ये नई नहीं है लेकिन ये अभी अभी इसमें fundady में शामिल हुआ है, अगर मैं इसको करूँ इस तरह तो ये मुझे एरर दे रहा होता है। अगर आपके साथ इस तरह एरर आ रहा है तो आप इसको बहुत इजी तरीके से बाईपास कर सकते हो। ये वजह ये है कि ये पीछे ये www. ये ना होने की वजह से ये एरर दे रहा है। अगर मैं ये www डालने के बाद अगर आप देखो तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको इजी तरीके से घुस बम आ गया, यहाँ पर ये आ गया घुस बम, टोरेंट चल रहा है। सेम ये हो रहा है मेरे साथ जो है लेटेस्ट जितनी भी मूवीज है। तो यकीनी बात है टूम राइडर नया है, ये नया है, तो ये भी यही मसला आ रहा था जब मैं डाउनलोड कर रहा था, तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा था किसी वजह से। तो आप इजी तरीके से इस तरह कर सकते हो। सपोज देखो ये मुझे गिर रहा है, सिर्फ वजह यह है कि उसके पीछे मुझे www. लाना चाहिए, बस ये होने के बाद वो ईजी तरीके से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही सब होगा, मुझे यकीन है, हाँ यही सब। तो ये मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल फॉल्ट है fundady की तरफ से, शायद कुछ ब्रेकिंग इन लॉ। देखो सही काम कर रहे हैं टूम रेडर, मैं ज़रा खोल लेता हूँ, ये काम कर दे रहा है कि नहीं, हाँ देखो सब चल रहा है। अच्छा ये एक मसला हो गया। दूसरा, कभी कभी इसके साथ ये मसला होता है कि आप जो सा मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो वो स्टेल्ड मोड में हो जाता है। पता नहीं स्टेल्ड होता है क्या, लिखा होता है 7 cent, और ये अगर आप ये पुराना टॉरेंट है इसलिए डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 7 cent। लेकिन मुसीबत ये है जब मैं इसको खोल देता हूँ टॉरेंट में, तो यहाँ पर इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है स्टेल्ड, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये STALLED। तो इसको बाईपास करने का एक तरीका है, अगर आप यहाँ पर HTTP आ जाए, जर्नल ट्रैकर पेयर्स HTTP सर्विस पे आ जाए, ये HTTP सर्विस है, और आप देखें वर्किंग टोरेंट जितने हैं, सारे टोरेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप देखें सबका जो है IP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11, 13, 14, 15, 16, लेकिन मेन IP ये रहा सबका यही।
तो यकीनी बात है आपका भी यही आईपी एड्रेस होगा, आप इसको कॉपी कर लें। ये मेन आईपी, और ये जैसा मैंने कहा ये नहीं चल रहा है, कुछ टोरेंट इस तरह काम नहीं कर रहे होते, तो आप यहाँ पर आके किसी भी आप ट्रैकर को पकड़ लें और उसके स्लैश के पीछे उसको पेस्ट कर दें, तो ये आपका एड्रेस बन गया, ये सही एड्रेस है। ये भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। बेइज्जती हो गई, ओके स्टार्ट हो गया, आप देखें। तो ये कुछ मसले चल रहे थे फंडेडी में, और शायद अगर आपके साथ टॉरेंट में इस तरह के मसले हो तो आप इसी तरीके से भी इसको हल कर सकोगे। सो या दैट्स इट, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।